हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज सर्दियों के मौसम में स्पेशल मैं आपके लिए डिश लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मटर की सब्जी, दही और मटर की सब्जी बनाएंगे, झटपट से बनने वाली। सर्दियों में ताजे मटर से ये बहुत ही यमी बनती है। तो स्टार्ट करेंगे बनाना। एक चम्मच ये बेसन है, तो इसको हम पहले सबसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, कढ़ाई में भून लेंगे इसको। 2 मिनट लगे स्पून चलाते हुए। ये बेसन अच्छे से भून लिया है मैंने, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, तो इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए, बेसन को मैंने भून के अलग निकाल लिया। अब इसी पैन में हम ऑयल लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच जितना, 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। और इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड किया मैंने। झटपट से बनने वाली सब्जी है ये, और बहुत ही यमी रिच सब्जी बनती है। ये है हरी मिर्ची है स्लिट की हुई, ये ऐड कर देंगे। और ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, ये भी ऐड कर देंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम प्याज को इसमें भून लेंगे। प्याज कुक हो रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने 1 कटोरी जितना दही लिया है, फ्रेश दही है। और इसमें हम ये फ्रेश मलाई है 2 चम्मच भर के मैंने ये ऐड कर दी। इससे इस सब्जी को बहुत ही अच्छी रिचनेस मिलेगी। मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। ड्राई स्पाइसेस भी इसी कर्ड में ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिए, 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाला। थोड़ा सा है ये धनिया पाउडर, काली मिर्ची बिल्कुल पिंच जितनी मैंने हल्दी ऐड करी, और चाहे तो आप थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर लीजिए। अब ये जो हमने बेसन भून के रखा था, 1 चम्मच ये भी ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बेसन है ये एक बाइंडिंग का काम करेगा हमारी, जो ये दही और मलाई हमने डाली है, इससे जब हम इसको गरम उसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। ये देखिए, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अनियन। अब फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे, और ये जो हमने दही वाला मिक्सचर बनाया था, धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाला था, तो हमारी सब्जी, हमारा दही बिल्कुल भी नहीं फटा। अब ये जो मटर हैं, इनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे, और इस सब्जी को बॉयल आने का एक वेट करेंगे। तीन मिनट मैंने बस इसको पकाया, ताकि पूरे फ्लेवर मटर में भी आ जाएं। और ये कसूरी मेथी है, थोड़ा सा यूं हाथों पर मसल कर इसको अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया। बस हमारी मज़ेदार सी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म मटर और दही की सब्जी, नरमा नरम चपातियाँ, ज़रूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, बहुत ही पसंद आएगी। ये झटपट से बनने वाली न्यू स्टाइल की सब्जी। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।